Well, Vero Moda approached me to do the women's line, so I was very excited. At that point, I thought that why not do this? I've done a men's line before, so it's my first foray in doing a women's line. I think Saif Ali Khan, Mr. Bachchan, Kangana Ranaut, Sonam Kapoor, Preeti Zinta, all fashionistas. डिजाइनिंग काफी टाइम से कर रहे हैं, बल्कि मेरे हस्बैंड के शादी का जोड़ा भी करण ने डिजाइन किया था और मेरे एक मेहंदी का जोड़ा भी करण ने डिजाइन किया था। तो बहुत अच्छा है कि आज करण एक अच्छे ब्रांड के साथ जुड़े हुए हैं और आई थिंक बहुत एक्साइटिंग होने वाला है, मजा आने वाला है देख के। मैंने बहुत कर लिया विमेंस रिलेटेड मूवीज़, अभी ट्रेंड है ये सब जो आजकल लड़कियां हैं उन लोगों का करना, सो उनका टाइम उनको करने दीजिए। बट हाँ, कुछ अच्छी ऐसी चीज़ें हैं जो साइन की हैं, शॉर्ली सूट। उंगली अभी आने वाली है नवंबर या दिसंबर में, और अगले साल मिस्टर एक्स इमरान हाशमी के साथ। बहुत एक्साइटेड हूँ ऑब्वियसली, क्योंकि करण एक नया नई चीज़ में एंट्री मार रहे हो वो डिज़ाइनिंग में, एंड वेरी एक्साइटेड टू सी वो क्या करे। ऑब्वियसली सारे कपड़े लड़कियों के लिए, पर आई एम श्योर कि सारे लड़कियाँ बहुत हॉट लगेगी उनके कपड़े में, क्योंकि उनके जो सोचने का वेवलेंथ है वो काफ़ी इंटरनेशनल और काफ़ी कूल है। दैट्स एक्चुअली फॉर रेमो डिसूजाज ABCD2, इसलिए मैंने माइकल जैक्सन का टैटू कराया, और मैं काफ़ी बिलीव करता हूँ उस माइकल जैक्सन में, उनके स्टाइल में। हमारी जो पिक्चर है डांस पे बेस्ड है, सो आई थिंक एवरी डांस हैज़ बीन इंस्पायर्ड बाय MJ एट सम पॉइंट। Well, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं हम। आई डोंट थिंक दैट एनी थिंग करण जौहर डज, ही डज बैडली, ही डज विद सो मच स्टाइल, ही डज विद सो मच फिनेस, एंड ही डज विद सो मच, यू नो, ही सो एफर्टलेस कि आज जो कलेक्शन होगी आई थिंक इज गोइंग टू बी अ कम्प्लीट सेल आउट। मैं बहुत ही फेमिनिन, बहुत सुंदर, बहुत वेयरेबल कपड़े एक्सपेक्ट कर रही हूँ। जैसे इनकी हर एक पिक्चर सुपरहिट होती है, मुझे लगता है करण जौहर की ये कलेक्शन भी सुपरहिट होगी। एक्साइटेड नहीं हूँ, पर आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि अच्छे कपड़े दिखें। करण का बहुत अच्छा स्टाइल है, अगर आप देखा जाए तो उनके खुद के कपड़े बहुत अच्छे होते हैं, ही इज़ ऑलवेज वेरी वेल ड्रेस्ड, सो लुकिंग फॉरवर्ड टू व्हाट ही इज डन विद दिस कलेक्शन, एंड द शो इज़ गोना स्टार्ट सून। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज पर्सनली आई लाइक वेरो मोडा ऑल्सो, आई मीन आई यूज टू शॉप फ्रॉम वेरो मोडा इन स्वीडन, एंड नाउ ऑल्सो यू नो टू हियर दिस दैट करण जौहर इज़ गोना बी अ पार्ट ऑफ इट, इट्स ग्रेट, आई मीन आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी। मैं कह रहा हूँ मेरी बहन ज़्यादा स्टाइलिश है बस। नहीं, आई थिंक साकिब ज़्यादा स्टाइलिश है। मेरे करण ऑफ कोर्स वन ऑफ द मोस्ट स्टाइलिश डायरेक्टर्स हैं, सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी हिज न्यू कलेक्शन विद करण मोडा फॉर करण इज़ अ वेरी स्टाइलिश गाय, आप उसको कभी भी देखेंगे, इज ऑलवेज वेल टर्नड आउट, ही इज ऑलवेज वेयरिंग द क्लासीएस्ट स्टफ, हिज मूवीज आर ऑलवेज सो एज इन द यू सी ग्रेट कॉस्ट्यूम डिजाइन इन हिज फिल्म, सो आई एम एक्सपेक्टिंग अ गुड शो। We are very excited today. ये मेरी पहली women's wear line थी, and a brand like Vero Moda makes it that much more special. But the most special part of the evening that actually I had Kangana walk as the showstopper, and she totally, like you say, rocked the ramp. Kangana rocked the ramp like never before. Thank you so much for doing this for me. Thank you, but you know, I think it's an honor, it's a privilege that the biggest brand of our country has designed women's wear, and I am getting to be the showstopper. So for me, it's really a very big honor, and I'm honored. And so I got this opportunity, so I made most of it. I did enjoy my time on the ramp, and I hope you guys check the collection out. And it's awesome. Like you can see, like I feel like a rock star wearing this. So it's great. Absolutely.